सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते चार बजे की चार बड़ी खबरों की। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा लुलु मॉल खुला है। तब से ये मॉल विवादों में घिरा हुआ है। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद से लेकर लगातार लुलु मॉल सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। इस मामले पर सीएम योगी ने कहा, सार्वजनिक जगहों पर नमाज और पूजा नहीं होनी चाहिए, यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा, किसी भी तरह की शरारत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 9 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और अब इन 4 आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। और इस मामले को लेकर सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। और इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। इस खबर पे विभांशु, सीएम योगी ने लुलु मॉल विवाद पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या कहेंगे? लुलु मॉल प्रकरण जो कि लगभग बीते सप्ताह से चल रहा है, उस पर अब मुख्यमंत्री का बयान आया है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में के अंदर में अगर कोई निवेशक आके और जहां पे अपने निवेश करता है, साथ ही साथ उसके तरफ से व्यावसायिक रूप से कोई काम किया जाता है तो उसको धार्मिक अड्डा न बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश की कार्यरत है, वही आपको बताएं शिखा की आज लुलु मॉल के अंदर में जब नमाज पढ़ने के बाद धीरे धीरे जब उस बाद हनुमान चालीसा उसके जवाब में पढ़ा गया, तो वहीं आज जो लखनऊ के लुलु मॉल में जो अयोध्या के आचार्य परमहंस है वो आज गए हैं और जाकर उनकी तरफ से कहा गया है कि लुलु मॉल नमाज पढ़ने के बाद अपवित्र हो चुका है और उसे उसका शुद्धिकरण करने आए हैं। वहीं आपको बताएं कि मौके पर अगर बात की जाए तो लुलु मॉल पे लगभग 5 गाड़ी जो पीएसी की होती है उसको तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस है यानी कि लखनऊ पुलिस, वो पूरे माहौल को स्थिर करने के लिए प्रयास कर रही है, उससे काम कर रही है, उससे पूरी जो है वो वहाँ माहौल सही रखा गया है। वहीं आपको बताएं कि अगर बात की तत्काल में तो वहाँ जो लखनऊ के जो कमिश्नर है साथ ही साथ डीएम है वो मौके पर पहुँच कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, और मुख्यमंत्री के निर्देश में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो धार्मिक प्रतिष्ठान है यानी कि मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे जाकर इबादत करें, पूजा अर्चना करें। साथ ही एक मॉल में जो भी एक व्यवसायी के द्वारा बनाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश आ रहा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एक पहचान होगी। जी, माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है सीएम योगी ने कहा है विभांशु। और जिस तरह से इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है जहां नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो हिंदू संगठन भी कहता है कि हम भी यहां पे पाठ पूजा करेंगे, तो ये किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कैसे इस पे काबू किया जा सकता है? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक जगह पर पूजा पाठ करना मना है, लेकिन जो लोग हैं उनको कैसे समझाया जाए?
बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें फर्क पड़ेगा। और वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने साफ लहजों में कहा है कि जो धार्मिक स्थान है वहां जाकर इबादत करें, पूजा करें, तो इससे साफ तौर पर निर्देश है कि जो नवाजी है या हनुमान माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने इस जो कृत्य है उस पर रोकथाम लगाएं। साथ ही साथ जो प्रदेश का जो देखे तो जो माहौल है उसमें कहीं बिगड़ने न दें, और उनकी तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि लखनऊ पुलिस को उन्होंने सराहते हुए कहा है कि मौके पर उन्होंने पहुँच कर और जो स्थिति को काबू कर रहे हैं उसमें लखनऊ पुलिस को उन्होंने सराहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब लखनऊ के अभी तत्काल की बात करें तो लखनऊ के डीएम और साथ ही साथ कमिश्नर अभी मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और बीते रविवार को आपको बताया कि पिछले रविवार को मॉल की शुभारंभ योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रदेश के भर के लोग अब लुलू मॉल को जान गए हैं और ये मामला धीरे धीरे सूझ पकड़ रहा है। और मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि इस मामले को खत्म करें और आपकी एकता के साथ रहे। जी जी विभांशु, बिल्कुल। जो चार आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 9 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी शिखा, आपको बताएं कि आज लखनऊ पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए जो 9 नवाजी पहले वीडियो में आए थे उस पर कार्रवाई करते हुए उसमें से 4 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। वही आपको बताए की अगर नवाजियों की बात करें तो ये उसमें से जो 4 नवाजी हैं और बाकी के जो 5 है उनकी शिनाख्त की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ये पूरी कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी के माध्यम से ये सभी नवाजियों को तलाश किया गया है, उनके पहचान को खोजा गया। वहीं आपको बताएं कि जो 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें रेहान नाम के एक है जो कि आपके इंदिरा नगर लखनऊ के हैं, वहीं अतीक खान है जो कि लखीमपुर खीरी से है, वहीं अगर बात की जाए तो लुकमान है जो कि आपके सीतापुर से है, वहीं आपके बताएं कि नुमान है जो कि आपके सीतापुर से है। तो ये 4 जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसमें से 1 लखनऊ से और बाकी 3 सीतापुर से हैं। वहीं आपको बताएं सीखा कि इसके ठीक बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और उसके ठीक बाद एक नवाज पढ़ी जाती है। तो जो दूसरी नवाज होती है उसमें सवाल के घेरे खड़े होते हैं, क्योंकि जो नवाज का वक्त होता है वो 6 मिनट का होता है और जो नवाज अदा की गई है वो पूरी तरह से इस्लामिक रूल के खिलाफ है, यानी कि 18 सेकंड में नवाज खत्म की गई है, दिशा उसमें गलत की गई है। तो जो अजागरता फैलाने की मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है इसमें साफ लहजे में उन्होंने कहा है, तो इस पे निर्देश देने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे क्या लोगों के अंदर आता है। और जो लुलू मॉल प्रकरण में अभी देखे तो बीते 10 दिनों से चल रहा है, ये कब खत्म होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है, अराजक तत्वों को, जो शरारती तत्व है जो कि शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर अब एक्शन ले रही है योगी सरकार। और साफ तौर से 4 लोगों को गिरफ्तार करके ये संदेश भी दे दिया गया है कि इस तरीके से चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस सख्त सख्त कदम उठाएगी। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 56 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसकी सूचना कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें 18 नई नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, 20 नगर निकायों का विस्तार किया जाएगा, श्रम विभाग में 12 सेक्शन का संशोधन भी हुआ है, पहले चरण में 235 क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथ ही बैठक में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी बात हुई है, साथ ही और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 56 प्रस्ताव पेश किए गए थे जिसमें से 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जो अगले 5 साल के लिए एक दृष्टि राज्य को देगा कि किन किन विषयों में हम काम कर सकते हैं और किस माध्यम से हम इसको आगे की ओर बढ़ा करके अपनी इकोनॉमी को हम 1 ट्रिलियन पर पहुंचा सकते हैं, तो उनके उन सुझावों के अध्ययन करने के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे अपने अपने तरीके से उसको रिफॉर्म भी करेंगे और उसे क्रियान्वित किए जाने की दृष्टि से जो उनके भी सुझाव आएंगे उस पर हमारे सभी विभाग उस पर अमल करेंगे और समय समय पर वो अपनी प्रगति से मंत्रिपरिषद को अवगत कराएंगे रहेंगे। उस संदर्भ में मंत्रिपरिषद जो निर्णयात्मक निर्णय होगी वो उसको करेगी।
में हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, आज 56 में से 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, किस तरह से ये जनता के लिए लाभप्रद होंगे? नितिन, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। तो उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक हुई, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बात हुई है और साथ ही साथ 56 में से 55 प्रस्तावों को पास किया गया है और आने वाले समय में यूपी में तस्वीर, विकास की जो तस्वीर है उसको बदलने के लिए इन प्रस्तावों की अहम भूमिका रहेगी। पहले चरण में कई प्रस्ताव पास करे गए हैं और योगी कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 100 विकास खंडों में से 100 शोधार्थियों के फेलोशिप, 20,000 रुपए प्रतिमाह की फेलोशिप योजना को मंजूरी दी गई है। 20 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया जाएगा। योगी सरकार ने बॉयलर नीति में बदलाव भी किया है, बॉयलर बिना अनुमति ले जाने पर जुर्माना भी लगेगा। बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती होगी। प्रस्ताव को मंजूरी करते हुए 68.83 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। तो 56 में से 55 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है योगी कैबिनेट की बैठक में। 18 नई नगर पंचायतों का गठन भी इन प्रस्तावों में शामिल है। और इस खबर में मैं संवाददाता नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, किस तरह से देखते हैं इन 55 प्रस्तावों को? देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अहम कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अलग अलग विभागों की तरफ से करीब 56 प्रस्ताव जो थे वो पेश किए गए थे। इनमें से 55 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई है और इन प्रस्तावों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का भी जो रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आया है। बुंदेलखंड के जो 7 प्रमुख जनपद हैं उन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से करीब 68.68 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री फेलोशिप एक बहुत ही अहम योजना है, इस अहम योजना के तहत मुख्यमंत्री फेलोशिप के जरिए जो भी शोधकर्ता होंगे या जो भी शोध के छात्र होंगे उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। ऐसे करीब 100 मंडल है जहां पर उनको भेजा जाएगा और वो वहां पर जाकर के शोध करेंगे और इसके अलावा वो ये जानेंगे कि उस क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। इसके लिए पहले उनको कम पैसा मिलता था, करीब 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन सरकार ने आज उसे बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि बहुत जल्द देश की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक हो सके और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक हो सके। ऐसे में जो व्यापारी है जो अलग अलग देशों से उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है उसको और कैसे सुगम रास्ते मिल सकते हैं, उसको और कैसे जो आसान तरीके से 1 विंडो से सारी चीजें मिल सकती हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने ये प्रयास और सुझाव पर चर्चा किया है और उसमें अलग अलग विभागों के दिशा निर्देश दिया गया है कि आपके यहाँ जो भी रास्ते खुल सकते हैं, जो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं व्यापारों को लेकर के, उसको जल्द से जल्द उन पर समीक्षा करके, उन पर बातचीत करके, उनको उन पर मुहर लगाई जाए। ऐसा उन्होंने आज प्रस्ताव जो है वो पास किया है। इसके अलावा सबसे अहम चीज ये है शिखा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में सरकार की तरफ से प्रयास ये है कि बहुत जल्द जो नगर निकायों को फिर से विकसित करना है या फिर उनके विस्तार करने हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने कई बार ये प्रस्ताव रखे गए थे लेकिन पहले इन प्रस्तावों पर मुहर नहीं लग पाई थी। फिलहाल आज इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 18 नई नगर पंचायतों के गठन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई है और इसके अलावा 20 नगर निकायों के जो विस्तार है उन पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा करके उन पर भी मुहर लगाई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं काफी अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। और इसके अलावा एक चीज ये भी है, क्योंकि सुबह भी कहीं ना इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जो पुराने वाहन हैं उन पुराने वाहनों के बदले नए वाहन लिए जा सकते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि 125 पुराने वाहन जो है वो निष्प्रयोजन में रखे जाएंगे और इन प्रस्तावों पर भी सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे।
रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को सरकार सजाने संवारने में लगी है, लेकिन बलिया में कुछ और ही नजारा देखने को मिला, जहां बलिया जनपद के बेरुआ बारी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दीघा पार मैरिटार में रूम के अभाव में पीपल और पाकड़ के पेड़ के नीचे सरकारी विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। इस विद्यालय में लगभग 436 बच्चे हैं। बारिश और आंधी आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को 2019 से लेकर 2022 तक पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कि विद्यालय में शिक्षण कक्ष की बहुत कमी है, मैंने कई बार विभाग को भी सूचित किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग मैंने 2019, 21 और 22 में भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई अद्यतन नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चों की संख्या अधिक है। अधिक होने के चलते बच्चे दो कमरों में नहीं बैठ पाते हैं, लिहाजा उनको बाहर बने चबूतरे पर बैठाना हमारी मजबूरी है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि बारिश अगर हो जाए, तेज आंधी आ जाए, तो बच्चों को हमको छुट्टी करना पड़ता है। मैं गया था रामांकन के सापेक्ष, वहाँ 60-70% बच्चे आए थे। जहाँ तक गर्मी की बात है, कैंपस में हमने इतना बढ़िया काम कराया है कि इंटरलॉकिंग हो या बाउंड्री वॉल हो या स्वच्छ पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, सारी सुविधाएं धान की प्रशंसा होनी चाहिए। कैंपस में ही 2-3 पेड़ हैं, छाया है, कमरे में गर्मी है, तो बच्चों को अध्यापकों को जहां रिलीफ अगर मिल रही है, वहां पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो क्या। और इस खबर पे हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बलिया से जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, काफी हैरान करने वाली है। कौन कौन सी खामियां देखने को मिली है इस विद्यालय में? जी आपको बता दें, जिस तरह का विद्यालय में जो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया गया था, कहीं ना कहीं एक तरह सवाल निशान खड़ा कर रहा है कि जिस तरह की तमाम, जहाँ 436 बच्चे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस तरफ के रूम के अभाव कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करते हैं और बच्चों को एक भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहीं ना जिस तरफ का बेसिक अधिकारी से जब हमने बात करने की कोशिश किया, तो कहीं उनका एक ही शब्द कहना कि वहाँ रूम का अभाव नहीं है, जो कि साफ तौर हम लोग कैमरे में जिस तरफ का हम लोग कैमरे में कैद किया, प्रधानाध्यापक का सीधा कहना था कि वहाँ रूम के अभाव से हम लोग जब भी बरसात आते हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं कि कोई घटना ना घटे, इस वजह से हम बच्चों को छुट्टी कर देते हैं। जी, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पे कर चुके प्रधानाध्यापक अखिलेश? 2019 से ही पत्राचार के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराते रहे हैं कि जो भी मतलब 2019 में, 2021 में, 2022 तक ये पत्राचार किए हैं कि हमारे बच्चों की रूम का अभाव है और कहीं ना कहीं व्यवस्था की रह जाए कि हमारे बच्चे को रूम अच्छे सुविधा के अनुसार पढ़, उनकी शिक्षा मिल सके। कहीं ना कहीं देखिए, एक तरह का एक तो दबाव है, जहां शिक्षक जो अच्छे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं इस बात की कमी एक शिक्षक के लिए कमजोर करने वाली है। क्योंकि जिस तरह का कुछ दिन पहले की घटना बता रहे थे, जब हम उनसे बात करने की कोशिश किया, तो उन्होंने एक बात जिक्र किया कि अभी करीब 10 दिन पहले ही एक बारिश हुई थी, बहुत बलिया में सूखा है, लेकिन बारिश हुई थी, उसमें बच्चों को छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही है, यह एक सवाल के जब जिला प्रशासन के एक तरह से ये कमी कही जाएगी। योगी सरकार तमाम दावे कर रहा है कि, लेकिन कहीं ना कहीं इस विद्यालय में खोखला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बलिया से संवाददाता अखिलेश कुमार जुड़े थे। खबर संत कबीर नगर से है, जहां मनरेगा योजना को ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी शिकायत डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों से की गई है। वहीं मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पोखरा सुंदरीकरण का कार्य नहीं किया, उनके खाते में पैसा आया और ग्राम प्रधान ने निकलवा लिया। कुछ नहीं हुआ मनरेगा का, और 80 आदमी का 32 हाजिरी लगाई गई,
और 32 साजिल लगाने के बाद जो पैसा हुआ बहुत सब आदमी लोग से पैसा निकलवा के और अपना ले लिए अस्पताल पड़ता है, और किसी किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि पैसा कैसे निकला, वो भी निकाल लिया। जैसे काम ना है कि ना पैसा खाते में आए और कहीं के निकाल के दे, निकाल के दिए। कौन कहा निकाल? प्रधान। कितना पैसा निकलवाए? 34। मामला यह है, पैसा उसमें आया, पैसा प्रधान निकाल एक बोले निकाल दिया। कितना पैसा है? 3400। वो बोलते हैं कि मेरे पैसा है, निकाल को दो। मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव में जो हमारे बेरोजगार परिवार हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना तथा ग्राम पंचायतों में अस्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आप जो शिकायत कर रहे हैं पंचपोखरिया की, इसका अभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया है, मैं अपने शिकायत लिपिक से इस संदर्भ में वार्ता करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। संत कबीर नगर से एक खबर सामने आ रही है जहां मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी ये बात कही जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोखरा सुंदरीकरण का कार्य नहीं किया लेकिन फिर भी मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा आया है और ग्राम प्रधान ने उस पैसे को निकलवा कर ले लिया है। तो मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, यहाँ खबर संत कबीर नगर से है। मनरेगा योजना को ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी शिकायत डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों से भी की गई है। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया लेकिन उनके नाम से पैसा मंगवाया गया और उसके बाद भ्रष्टाचार करा गया है, प्रधान ने पैसा निकलवा कर मजदूरों से ले लिया है। और इस खबर में हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश कुमार जुड़ चुके संत कबीर नगर से। मिथिलेश, पूरी जानकारी चाहेंगे, शिकायतकर्ताओं ने किस किस तरह के आरोप लगाए हैं? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला सेमरियावा विकास खंड क्षेत्र के पचपोखरिया ग्राम पंचायत का है, जहां पर शिकायतकर्ता का ये आरोप है कि लगभग जो है 80 मनरेगा मजदूरों से 32 दिनों का काम दिखाकर और भुगतान करा लिया गया है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भुगतान हुआ है वो मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा गया है और ग्राम प्रधान ने दबंगई से उन मजदूरों से पैसा निकलवाकर अब स्वयं ले लिया है। जी, तो क्या मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिया जाता है या फिर उनके नाम से बस पैसा मंगा के प्रधान ले लेते हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी अहम और जो है सरकार की मंशा है और ये कि सभी लोगों को रोजगार मुहैया हो, इसी मंशा के अनुसार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि 100 दिनों तक मनरेगा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है क्योंकि लोगों को रोजगार तो मिला नहीं और कागजों में पोखरे का सुंदरीकरण का काम दिखाकर लाखों रुपए ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों ने मिलकर डकार लिया है। अब ऐसे में भ्रष्टाचार की कलई खुली है और सामने आया है, तो मामला शिकायतकर्ता ने शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की है और इस पर अधिकारियों का कहना है कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस